Julay everyone, I welcome you all to my channel Sri Mangmul Ladakh. In this video, I'm gonna show you how to prepare Tagi Puli. You can call it Ladakhi local cookie. So let's start, I hope you will like it. तो इसके लिए हमें चाहिए बेकिंग पाउडर, फिर हमें चाहिए थोड़ा सा तेल और हमें दूध और आटा चाहिए. सो शुरू करते हैं. चलिए पहले तो जितना आटा आपने लिया है उस हिसाब से आपको इसमें थोड़ा सा बेकिंग पाउडर और थोड़ा सा तेल डालना है. तो हो सके तो आपको पानी बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना है, दूध ही इस्तेमाल करना है. तो मैंने अभी इसमें प्योर काउ मिल्क इस्तेमाल कर रही हूँ और टेस्ट के लिए मैंने इसमें चीनी मिला दी थी पहले से. फिर आप इसमें वाइट शुगर, ब्राउन शुगर, हनी जो भी आपके पास है आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं. और इस बीच में आप लोगों को तागी पुली का मतलब समझाने की कोशिश करती हूँ जितना मैं समझती हूँ. तो तागी का मतलब तो एक होता है, एक कॉमन नेम है ये. जैसे जितने भी रोटी वगैरह होता है, जैसे पूरी हो गया तो हम इससे पूरी को हम तागी पूरी कहते हैं. और जैसे चापाती हो गया उसको हम तागी शामू कहते हैं, यानी कि हम सबको तागी तागी बोलते हैं. तो इसको भी हम तागी बोलते हैं क्योंकि हम इससे चाय के साथ लेते हैं. और पूली का मतलब होता है स्मॉल स्मॉल पीसेस. तो ये थी जितना मुझे मैं समझती हूँ तागी पूली का मतलब. तो कुछ इस तरह से आपको तागी पूली बनाना है. खाने में तो बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं ये, नो डाउट, लेकिन थोड़ा दिखने में भी अच्छा होना चाहिए ना. तो इसके अपर पोर्शन में आप अंडा या आप दही लगा सकते हैं, सिर्फ अपर पोर्शन में लगाना है आपको. चलो अभी हमने इसे ओवन में भी डाल दिया. अब हम 30 मिनट के बाद चेक करेंगे, तब तक हमारा तागी पुली बिल्कुल रेडी होगा. तो दोस्तों यही था तागी पुली का प्रोसेस, ये कैसे कैसे बनते हैं. और हाँ, एक बात बोलनी थी, आपको दूध प्योर काउ मिल्क इस्तेमाल करना है. अगर आप अमूल ताज़ा या ऐसा कुछ इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो उतना अच्छा नहीं होगा. तो दोस्तों हमारा तागी पुली दिखने में कुछ इस तरह का होते हैं, जो कि बिल्कुल रेडी है खाने के लिए. तो आप लोग भी ट्राई ज़रूर कीजिए.